आज हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। 3.1 वैसे तो हम पार्ट वन में पहले कर चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिए थे, तो आई होप आपने वो किए होंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकला तो आप इस वीडियो से कर सकते हैं, और जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो टैली भी कर सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट का ए पार्ट हमने कर दिया था, फर्स्ट का बी पार्ट है 15 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 15 को हम सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, 1 × 15, 1 को 15 से। तो अब 2 की टेबल पे ही नहीं जाता तो क्या लिखेंगे, दूसरा क्या हो सकता है, 3 × 5 क्या होता है 15, तो 3 × 5 हो जाएगा। फिर 4 के टेबल में नहीं जाता 15, 5 के टेबल में, तो 5 × 3 = 15 होता है, तो 5 × 3 ये हमारा हो गया। और 15 को और किसकी टेबल में, 6, 7, 8, 9, 10 किसी की टेबल में नहीं जाएगा, किसकी टेबल में जाएगा, 15 में, 15 × 15। तो अब हमारे फैक्टर कितने कौन से हुए, फैक्टर्स ऑफ हमारे ये वाले, ये जो हैं 1, 3, 5 और 15, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा बी पार्ट। उसके बाद हम में सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट है हमारा 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को सबसे पहले तो 1 की टेबल पे जाएगा, तो 1 × 21 आएगा। फिर 2 की टेबल पे 21 नहीं आएगा, 3 की टेबल पे आएगा, तो 3 × 7 = 21 होता है, तो 3 × 7 = 21। फिर 4 के टेबल पे नहीं आता 21, 5 की 6 की, फिर 7 की टेबल पे जाएगा, तो 7 × 3 = 21। फिर 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 20 तक नहीं जाएगा, उसके बाद किस पे जाएगा, 21, तो 21 × 1, तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे सारे फैक्टर हो गए। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 21 क्या है, ये 1, 3, 7 और 21, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद डी पार्ट हमने पहले वीडियो में कर दिया था, उसके बाद हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट आपका होमवर्क था, तो ई पार्ट था हमारा 12 के फैक्टर बताएंगे। तो 12 क्या होगा, 1 की टेबल पे जाएगा, तो 1 × 12 = 12 होता है। उसके बाद 2 की टेबल पे भी जाएगा, 2 की टेबल पे किस पे जाएगा, 6 पे, तो 2 × 6 = 12 होता है। उसके बाद 3 की टेबल में भी आता 12, तो 3 × 4 = 12। 5 की टेबल पे नहीं आता, 6 की टेबल पे भी नहीं आता, 7 × 8 × 9, 9 की टेबल पे भी नहीं आता, 10 की 11 की 12 की, ये 3 का ना, 3 के बाद 6 की टेबल पे भी जाएगा, तो ये होगा 6 × 6 = 12 होता है। और फिर किस पे, 12 पे जाएगा, 12 × 1 = 12। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, ये 3, 4 और इसके बीच में एक 4 भी आएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, 4 × 3 = 12 होता है। तो ये 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 6 पे 12 पे जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये हमारा आंसर होगा। ई पार्ट के बाद हमारा है एफ पार्ट। एफ
पार्ट में हमारा गिवन है 20। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 एक तो 1 की टेबल पे जाएगा, 1 × 20। उसके बाद 2 पे, तो 2 × 10 क्या होता है 20, 2 × 10। फिर 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे, तो 4 × 5 क्या होता है 20। फिर 5 की टेबल पे जाएगा तो ये हमारा 5×4 = 20 होता है। 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे, 8 पे, 10 पे जाएगा अब 20, 10×2 = 20 होता है। फिर 11 पे नहीं जाएगा, 12, 13, 14, 15, फिर 20 पे ही जाएगा तो 21×20। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 20 आर क्या होंगे, ये 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये हमारा आंसर होगा। ये था हमारा एफ पार्ट। अब जी पार्ट है हमारा 18। अब 18 किसकी टेबल पे, सबसे पहले तो 1 की टेबल पे, 1 की टेबल पे तो हर नंबर जाएगा 1 × 18। उसके बाद 2 की टेबल पे जाएगा, 2 × 9 = 18। फिर 3 की टेबल पे जाएगा, 3 × 6 = 18। फिर जाएगा 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे, 6 पे जाएगा, 6×3 = 18। फिर 6 के बाद किस पे जाएगा, 9 पे, 9×2 = 18। फिर 18×1 = 18। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 18 आर क्या होंगे, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये हमारा आंसर। ये था हमारा जी पार्ट। एच पार्ट हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद हमारा है आई पार्ट। आई है हमारा 36। 36 अब देखेंगे तो 36 हमारा 1 की टेबल पे सबसे पहले 1×36। फिर 2 की टेबल पे भी जाएगा, 2 को 36 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 18। फिर 3 पे भी जाएगा तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 3×1 = 3×2। फिर 4 पे भी जाएगा, 4 को से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4×9। फिर 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे, 6×6 क्या होता है 36। फिर 9 पे, 9×4 = 36। फिर 9 के बाद जाएगा हमारा 12 पे, 12×3 = 36। फिर हमारा जाएगा ये 18 पे, 18×2 = 36। फिर 36×1 = 36। तो 30 जो नंबर है उस नंबर तक लेके जाना हमने। और जब ये हमारे जैसे 6×6 आ गया तो उसके बाद ये नंबर वापस आने, ये नंबर आने लग जाएंगे हमारे। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 36 आर क्या होंगे, ये 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के हमने ए और सी पार्ट हमने कर दिए थे, तो हम सेकंड का बी पार्ट करेंगे। इसमें हमें बताना था राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 के, 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो 8 की टेबल लिखेंगे तो 8×1 = 8, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×4 = 32,
8 5 40। तो हमने मल्टीपल बताने थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 16 24 32 और 40। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और थर्ड क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और फोर्थ भी हम कर चुके हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।